हेलो भाई जी, कैसे हो? हेलो, बहुत बढ़िया भाई, हैप्पी होली। नमस्ते। यू जी यू, अरे यू बनू ना, ये मेहमत ही वाल कैमरा दर्शन हो गए आपके, बहुत लाइन में लगे पर बहुत आनंद है। जय बद्री विशाल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत सीधे बद्री धाम से। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम बद्री धाम पहुंच चुके हैं और अभी हम आए हुए हैं इधर। ये कॉइन दिख रहा है आपको, ये बेचने के लिए। अभी आज पहला दिन है, आज हमको कुछ मिला नहीं, तो आज हमने कॉइन पकड़े, आज इन्हीं को बेच रहे हैं। एक थैला भी बेच चुके हैं भाई साहब, इतना अलग एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि अपने जीवन में आज तक स्वीन ताका तक नहीं बेचा, ये तो बहुत दूर की चीज़ है। पहली बार कुछ चीज़ें बेचने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। फिलहाल अभी आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत ही गजब का व्यू बद्री धाम का। अभी मैं बताए कहाँ रखा हूँ, मैं लगभग मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पीछा रखा हूँ और यहाँ तक ना लाइन लगी हुई, और अभी भी लाइन लगी है भाई साहब, इतनी जबरदस्त भीड़ ना, मतलब लोग परेशान हो रखे हैं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो भगवान को अगर ढूंढना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो परेशानी तो झेलनी पड़ेगी, है कि नहीं। फिलहाल अभी हम अपना काम करते हैं, अभी हम बेच करके यहीं पे तक आ रहे हैं। यहाँ हमको खुला स्पेस मिला, खाली स्पेस मिला, तो हमने कहा चलो यहाँ से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। अभी जित्तू भाई और रोहित भाई सारे लगे हुए उधर बेचने में, फिलहाल अभी उन चलते हैं बीच में, अगर वो मिलेंगे उन भाई लोगों से भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे आज सुबह सुबह। अभी आप लोगों के भगवान के दर्शन नहीं कराए आज, आज सुबह के, तो अभी चलते हैं पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन कराते हैं, उसके बाद अपने काम पर भी लगते हैं। ब्लॉग भी बनाना है आप लोगों को, यहाँ पर मैं क्या कुछ कर रहा हूँ वो भी दिखाना है, और अपना काम भी करना है जिस काम के लिए मेन मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, ठीक है। तो हमको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बेचने में, किस तरह से यात्रियों से श्रद्धालुओं से बातचीत करनी है, कैसे उनको हैंडल करना है, सीख रहे हैं, लगेगा टाइम लगेगा, लेकिन बेचेंगे, ज़रूर बेचेंगे और अच्छे से बेचेंगे, ठीक है। जित्तू भाई और रोहित भाई का तो पता ही नहीं है, सुबह एक बार मिले थे वो, उसके बाद पता नहीं कहाँ गए वो भाई साहब। बीच में तगड़ी वाली लड़ाइयाँ हो रही है ना, क्योंकि बीच में कोई घुस रहा है, तो उससे जो पीछे के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक के चक्कर में लड़ाई हो रही है, वो आधा एक घंटे तक लड़ाई चल रही है, और उससे पीछे वाले लोग ऐसी लाइन में लाइन के लाइन में लगे रह रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। दोस्तों अभी यहाँ से दिखाते हैं हम आपको लाइन की, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ दिख रहा है आपको, ये इसके जस्ट पीछे यहाँ इधर गैप में, तो यहाँ पे भगवान बद्री विशाल का मंदिर, और वहाँ से लाइनें देखिए भाई साहब, ये देखो दोस्तों, ये लाइन बहुत आगे तक जा रही है। ये अभी हम नीचे आ चुके हैं, ये रहा आप लोग स्नान कर रहे हैं, अभी आप आगे ले चलते हैं, अभी आप लोगों को तप्त कुंड के साइड ले चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का तप्त कुंड, जहाँ पर के नहाने के लिए लोग दूरों दूर से आते हैं। ये बस दोस्तों अभी मतलब ऊपर से जो मेन रास्ता है ना, वहाँ से इतना तगड़ा जाम लग चुका है, तो बंद हो चुका है, आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, जो जा रहा है वो वहाँ से जा रहा है। फिलहाल अभी हमको यहाँ से अपना सामान लेने के लिए नीचे से आना पड़ रहा है। तो भैया अभी जिस स्थान पर हम हैं ना, यहाँ से भगवान बद्री विशाल के मंदिर का बिल्कुल भी कोई दर्शन नहीं है। यहाँ सामने पे आपको ये माना की रोड दिखेगी, जहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिखेगी। हेलो भाई जी, कैसे हो? हेलो, बहुत बढ़िया भाई, हैप्पी होली। क्या बढ़िया था गुरु। लाइन पे लगे हुए हैं भाई, बहुत भीड़ हो रही है। तो कब आएगा तुम्हारा नंबर? भाई देव भाई, बाबा जब तक बुलाएंगे जब तक आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे, बोल शंकर भगवान की जय। तो भैया ऐसा है कि अभी आज मैं दूसरी बार रूम के लिए निकल रहा हूँ। दरअसल ऐसा है कि ज्यादा कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी केवल एक चीज था, अभी हम सुबह से सिक्के बेचने में लगे हुए थे, तो मजा नहीं आ रहा था केवल सिक्के में। तो भाई रोहित से, मतलब रोहित के पास हमने प्रसाद बनाने के लिए दिया हुआ है, अब शाम के टाइम से 6 बजे के बाद प्रसाद बेचेंगे, उसके साथ साथ मालाएं भी, तुलसी की मालाएं वो भी बेचती है। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा सा रूम पे चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। और बताइए। नमस्ते। नमस्ते। यू जी यू, अरे यू बनू ना, ये मेहमत ही वाल कैमरा यू बनू सा देखा तुम वीडियो वीडियो देखा तुम कसम से बोल दिया खन बहुत ज्यादा तन को पूजे तन दे फोटो खींचते
प्रसाद हाँ लो। दरअसल दोस्तों ये हम लोगों की फैन फॉलोइंग नहीं है, ये हमारे पीछे में हमारी दीदी प्रसाद बनी है। आपको थोड़ा अपनी स्कीम बताते हैं, ठीक है। हम रोहित और हम दो पार्टनरशिप में हमारा प्रसाद का काम चल रहा है। इस भाई ने अपना जो काम है वो थोड़ा बदल दिया है, काम उसका वही है लेकिन इसका जो काम है वो प्रोफेशनल हो चुका है। वो हम ऐसा नहीं, ये चमकीली दुकानों में जा चुका है प्रसाद बेचने के लिए। बहुत तेज हो रहा है लेकिन हम फिर भी अभी रोड़ी पे घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब मतलब खाली दिन दोनों जगह पैसे छापेगा किसम नहीं, पैसे वालों की मतलब ही नहीं। भैया अभी जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये हमारे दीदी जी का घर, ठीक है, हमारे जीतू भाई जी की दीदी का घर, जहाँ पे कि आजकल हमारे जीतू भाई का रैन बसेरा हो रहा है। और हमारा जस्ट इसके ऊपर से, यहाँ ऊपर पे ये मंदिर दिख रहा है आपको, ये मंदिर, तो इसके जस्ट बगली पे हम लोगों का रूम है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 मीटर का डिस्टेंस है जीतू भाई और मेरा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से पहले आप लोगों को हम दिखाते क्या यहाँ से बद्रीनाथ का सुंदर सा नज़ारा, और उसके साथ साथ अम्बानी जी का घर देख रखा आपने, सुना तो होगा बद्रीनाथ में अम्बानी जी का घर है, लॉज है। तो वो आपको हम यहाँ से लॉज चिल्ला बमानी तो अम्बानी, यहाँ पे हमारे अम्बानी जी का मकान है। तो हम आपको यहाँ पे से दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे से जस्ट सामने दिखते हैं, यू नो यू सामनी एलर रोहित मैं तो बोली लेकिन कोवा जी बता वो सामने जो पेड़ों के बीच दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी बात ये जिसपे मेरी उंगली लगी है, ये भूरा कलर का, हाँ ये ब्राउन कलर का। तो दोस्तों जो भूरा कलर का जो छत दिख रहा है आपको जो टीन का, तो वो है टीनो कूल। अरे पूरे बद्रीनाथ में जो सबसे तगड़ा मकान है, हाँ दोस्तों बद्रीनाथ में जो सबसे बड़ा वो है क्या बोलते भवन है वो है अम्बानी जी का, यहाँ पे देख सकते हैं। और होने वाली बात भी है क्योंकि उनके पास अथाह मात्रा में धन संपदा है, इतना तो बनता है। तो मास्टर प्लान में जो भी परिवर्तन होने वाला है वो इसके इस दायरे में होने वाला है। ये हाँ जो इधर का जो एरिया दिख रहा है आपको ये शायद ऐसी रहेगा ना, इधर ये टूटेगा, इधर ये सामने वाले ये टूटेंगे, जैसे उधर से आते हैं ना उधर से भी सीधा मंदिर दिखेगा ना, सामने गोला मार्केट बनेगा, जैसे श्रीनगर में गोला मार्केट, कहाँ पे वहाँ सामने जाओ हाँ गाइस इतना भी मेरे को पागल मत बोल यार पंटी की याद आ रही दोस्तों एक दिन में उदास लगे जीतू भाई इसका बोल में देखे गाइस यहाँ भजन लगा रखे और फ्री फायर खेल रहे हैं भजन लगा के आवाज बढ़ा सही है भाई, हम लोगों का यहाँ वीडियो अपलोड करने के लिए नेट नहीं चल रहा और भाई वहाँ दब करके फ्री फायर खेल रहा है। इसका सही चल रहा है भाई नेट, मेरा बहुत कम चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो लेट में आएगा लेकिन वीडियो जरूर आएगा, ठीक है। जैसे आज मैंने सुबह वीडियो अपलोड नहीं करा क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, थोड़ा सा थकान भी लगती है कि नहीं, तो उससे भी वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो आएगा। जैसे आज सुबह का वीडियो अभी शाम को आने वाला है, अपलोड होने वाला है। थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी चल रहा है कहीं भी नहीं चल रहा है, जब चल रहा है बढ़िया चल रहा है, जब नहीं चल रहा है तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को फिलहाल यहीं के ब्लॉग दिखेंगे, अभी हमने मेन काम स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है। अभी हमको रोहित भाई सिखा रहे हैं थोड़ा बहुत करके, और ऐसे करके हम लोगों को सीखना है और अपना काम चलाना है, ठीक है। काम भी देखना है और अपना ब्लॉगिंग भी देखना है, आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बनाना है। तो बने रहिए ब्लॉग में, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कल से यात्रियों से भी मिलाएंगे आपको, ठीक है। बीच में जहाँ पर हम प्रसाद बेच निकले जाएंगे वहाँ पर यात्रियों से भी मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो भैया अभी रात्रि का 9:30 हो चुका है, 2 प्रसाद के डब्बे बचे हुए हैं, बस इनको बेचना, उसके बाद हम निकलने वाले हैं। भाई साहब ना यहाँ बैठते बैठते दिन तकड़ी वाली नींद आ रही है ना, क्योंकि यार इतने लंबे टाइम से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगभग 4-5 घंटे हमको यहाँ पे बैठे बैठे हो चुका है, प्रसाद बेचते बेचते हो चुका है, बस 2 डब्बे बचे हुए हैं। हमें भी 4-5 घंटे दर्शन हो गए आपके, बहुत लाइन में लगे पर बहुत आनंद आया। जय बद्री विशाल। तो सारे श्रद्धालु लोग खुश हो करके निकल रहे हैं, बस यही तो है, क्या चाहिए। थोड़ा कष्ट होगा, भगवान को अगर पाना है, भगवान के अगर दर्शन करने हैं तो कष्ट तो झेलना पड़ेगा, बिना कष्ट के भगवान बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो हमको थोड़ा कष्ट और करना है, ये 2 डब्बे बेचने हैं, फिर हम निकलेंगे, थोड़ा खाना खुना खाएंगे मार्केट में, क्योंकि हमारा खाना मार्केट में ही होता है, बाजार में ही होता है, और फिर निकल जाएंगे रूम के लिए। और भाई साहब आप लोगों के लिए फिर वीडियो एडिट भी करना है, फटाफट अभी इनको बेचते हैं फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं जीतू भाई रोहित भाई लोगों के साथ, ठीक है। अभी देख सकते हैं लाइन बहुत ज़बरदस्त चली हुई है, रात्रि का 9:30 हो चुका है लेकिन लाइन में भाई साहब बिल्कुल भी कमी नहीं है, लाइन वही है, भीड़ वही है जो सुबह 3 बजे थी। तो भैया अभी ऐसा है कि अभी हम निकल चुके हैं मंदिर से,
जितना भी प्रसाद था वो बिक चुका है। अभी जा रहे हैं हम रोहित भाई के रूम पे। रोहित भाई का रूम है ना जो सबसे नजदीक है मंदिर के, तो हमारा जितना भी प्रसाद है, जितने भी डब्बे है वहीं पे बन रहा है, और वहां से हमको नजदीक हो रहा है मंदिर में ले जाने के लिए बेचने के लिए। तो फिलहाल अभी हम जो सामान है थोड़ा बहुत वो अभी रोहित भाई के रूम पे रखेंगे, और कल दिन में जिस टाइम पे हम खाली रहते हैं उस टाइम पे आएंगे और प्रसाद बनाएंगे, डब्बे में पैक करेंगे और फिर बेचेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम रोहित भाई के रूम पे निकल रहे हैं। मामा जी नहीं तेरे इधर या? तो ये हमारे भैया, हमारे बड़े भैया, हमारे भैया रोहित भाई का रूम। नो डब्बे पहले से कसम से बोल। तो दोस्तों यहीं पे बनाने हैं हमको अपने डब्बे जितने भी प्रसाद है कसम से। नहीं नहीं अभी टाइम हो गया, चल निकलते हैं। अभी दोस्तों हमको भी मार्केट निकलना है, खाना खुना खाना है, रूम पे निकलना है, तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 10 ऑलरेडी बज चुका है और सुबह हमको जल्दी मंदिर में आना है। फिलहाल अभी सामान हमने यहाँ पे रख दिया है और फिर हम तीनों भाई अपने अपने रूम के लिए निकल जाएंगे, ठीक है, अपने अपने रूम के लिए। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर रूम पे जाने जाने तक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। फिलहाल आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए हो, आगे आप लोगों को इसी तरह के ब्लॉग मिलने वाले हैं, कल से टूरिस्टों से भी मिलाएंगे, यात्रियों से मिलाएंगे, श्रद्धालुओं से मिलाएंगे। फिलहाल आई होप कि आप लोगों को आज के ब्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी और नए मज़ेदार ब्लॉगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। फिर क्या भाई दादा।